उसका निशाना इतना अचूक था कि हाथी के मस्तिष्क के बीचों बीच गोली मारकर उसे ढेर कर देता था। उसे बड़े बड़े अफसरों से इतनी जलन थी कि उनकी गर्दन काटकर उसे बोली बोल खेला करता था। वह इतना बेरहम था कि उसने पकड़े जाने के डर से अपनी छोटी सी बेटी को गला घोटकर मार दिया था। उसके पीछे कई थानों और शहरों की पुलिस नहीं बल्कि 4-5 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। सरकार ने उस पर 7 करोड़ का इनाम घोषित करा हुआ था, लेकिन फिर भी वह पकड़ में नहीं आया। अगर आप इतनी बात सुनने के बाद भी गैस ना कर पाए तो छोड़िए दिमागी रस्सा कस्सी, सीधा आपको बताए देते हैं। आज का हमारा यह वीडियो चंदन तस्तरी विपिन पर आधारित है। तो चलिए आज देखते हैं इसकी जिंदगी का वह अनजान सच जिससे दुनिया आज तक बेखबर है। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब फटाफट से कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो विपिन भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान था, लेकिन सिचुएशन ने उसे जुर्म की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया, जहां से कोई चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में इसने अपनी अलग अलग दुनिया बसाई हुई थी और जो भी विपिन की तरफ होगा वह उसे इनाम देता था। लेकिन इसे जरा भी शक हुआ कि कोई पुलिस के साथ मिला हुआ है तो वह उसे मारने में जरा भी समय नहीं लगाता था। विपिन बचपन से ही जंगलों में पला बड़ा था। विपिन अपनी 18 साल की उम्र में ही निकल हिटिंग ग्रुप में जा मिला। विपिन ने 1970 में क्राइम करना शुरू कर दिया और 1972 में उसे पहली बार जेल भेजा गया। विपिन चंदन की लकड़ी और हाथी के दांत की स्मगलिंग करता था। उसने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल 17 साल की उम्र में किया था। विपिन का निशाना इतना पक्का था कि वह सिर्फ गोली से ही हाथी को ढेर कर देता था। साल 1970 में विपिन एक तमिलनाडु के फॉरेस्ट ऑफिसर चितंबर को अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी, और यहीं से सरकार विपिन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में 184 लोगों का मर्डर किया और उसमें से 97 तो सिर्फ पुलिस वाले ही थे। विपिन इतना खतरनाक था कि अगर कोई गांव वाला पुलिस के साथ दिख जाए तो वह उसे मारने में जरा भी कसर नहीं छोड़ता था। दोस्तों, कहा जाता है कि 1986 में गेस्ट हाउस में जब पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार किया था तब वह वहाँ से भाग निकला। दरअसल उसे हथकड़ी पहनाई हुई थी और उसने हथकड़ी में बहाना बनाया कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और तेल चाहिए। हालांकि पुलिस वालों ने उसे तेल लाकर भी दे दिया और विपिन ने उसका गलत इस्तेमाल करके अपने हाथों में तेल लगाकर और हथकड़ी छुड़ाकर वह वहां से भाग गया। साल 1993 में पुलिस के 22 जवान विपिन को पकड़ने के लिए बस में गए, लेकिन विपिन ने रास्ते में माइस बिछा रखी थी। जैसे ही बस वहां से गुजरती है वैसे ही वह माइस ब्लास्ट हो जाती है और सभी के सभी ऑफिसर उस हादसे में मारे जाते हैं। और एक सर्च से यही पता चला है कि विपिन की बहन की हत्या भी विपिन ने ही करी थी। खैर दोस्तों, विपिन के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के धमाकेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।